इसी बीच कांकेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है। कोयली बेड़ा इलाके में कोमे गांव में हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने घटनास्थल पर बैनर्स भी फेंक दिए। बता दें, रावघाट एरिया कमेटी ने घटना की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने जन अदालत में ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। तो नक्सली का आतंक यहाँ पर देखा गया है और इस घटना को अंजाम देने के बाद वहां पर बैनर भी फेंका गया। तो रावघाट एरिया कमेटी ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने जन अदालत में ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि सुरक्षा बल लगातार सर्चिंग भी कर रहे हैं, मामले को लेकर जांच की जा रही है। कांकेर से मेरे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, एक बार फिर नक्सलियों की कारना करतूत निकलकर सामने आई, क्योंकि एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया, कब की घटना है ये? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह कांकेर जिले के गोमे गांव का यह पूरा मामला है, जो कि बीते देर रात नक्सलियों के द्वारा एक ग्रामीण को जन अदालत लगाकर उसकी हत्या कर दी गई है। साथ ही यह बताया जा रहा है कि यह मृतक युवक का नाम अमर सिंह उइका है, जो कि नक्सलियों ने घटनास्थल पर बैनर भी फेंके हैं और डीआरजी और पुलिस के लिए काम करने का ये ग्रामीण के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। साथ ही कुछ दिन पहले दो ग्रामीणों की हत्या हुई थी, वहां भी यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को ये सूचना दी थी, जिसके बाद वो ग्रामीण की हत्या कर दी गई थी। लगातार इलाके में नक्सली वारदात होने के चलते इस क्षेत्र में लगातार ग्रामीणों पर काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही लगातार नक्सली बेरे पर्चे फेंक कर इस क्षेत्र में दहशत फैला रहे हैं। तो क्या इलाके को घेर के सर्चिंग की जा रही है पुलिस की ओर से? हालांकि पुलिस से हमने इस संबंध में चर्चा की तो उनका साफ यह कहना है कि अभी हमें सूचना मिली है। साथ ही बैकअप पुलिस की पादप फोर्स उस इलाके में भेजी गई है और तभी तस्दीक हो पाएगा कि ग्रामीण की हत्या हुई है या नहीं। इस तरह से पुलिस का बयान आ रहा है। हालांकि हमें विश्वास सूत्रों से पता चला है कि वह ग्रामीण की हत्या हुई है और मौके पर पर्चे भी डाले गए हैं। जी बिल्कुल, हत्या करने के बाद पर्चे डाले गए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील।